भाविन, तुझे रसीद लेने को किसने कहा था? तुझे पता भी है कि हम रसीदों का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? मुझे खबर छे बाप, पर आप ऑफिस में नहीं थी ना, इसलिए। नहीं थी तो रसीद लेने से पहले तूने मुझे पूछा था क्या? और रसीद मिलने के बाद भी तो नहीं बताया? नहीं बाप, मैंने वो रसीद बच्चू भाई को फाइलिंग के लिए दी थी। जवा दो ने पार्वती बहन। केम जवा दो बच्चू भाई? और आप होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेहुल, तू कितने साल से यहाँ काम कर रहा है? तूने इसे रसीद क्यों दे दी? इसे पता भी है कि यहाँ काम कैसे होता है? और भाविन, तुझे जितना कहा जाए उतना ही कर, समझा? भाविन, चाय। ये भाविन ना, सबके सामने चिल्लाने से पहले एक बार भी सोचती नहीं है कि मुझे कैसा लगेगा। सारे ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करती। यही बात जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी बा मुझे किसी के भी सामने कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है, बेइज्जत कर देती है, तो आप मुझे डांट देते हैं और उनकी इज्जत करने को कहते हैं। सुरभि प्लीज, अब तुम अपनी बकवास शुरू मत करो। तुम्हारी बात कुछ और है, लेकिन मैं तो उनका अपना बेटा हूं ना, उनका अपना खून हूं। वो मेरे साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकती। तुम जाओ यहां से। भाविन, किसी को भी बेइज्जत होना अच्छा नहीं लगता, पर ये बात तब समझ में आती है जब वो खुद पे बीतती है। सुरभि प्लीज, अब तुम ताने मारना बंद करो। मैं ताने नहीं मार रही हूँ, पर ये सच्चाई है कि आपकी बा एक बहुत ही घमंडी औरत है। उनको किसी की भी इज्जत करना नहीं आता, पर ये बात जब मैं आपके पास लेकर आती हूँ तो आप मुंह फेर लेते हैं। सुरभि, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें बा की इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ, उनकी रोज की बेइज्जती, उनकी सबके सामने बेमतलब की डांट फटकार, सब कुछ चुपचाप सहती रहो, है ना? तुम जाओ ऐसे। सत्ता की ताकत इंसान को घमंडी बनाती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं। घर हो या ऑफिस, वो सभी पर बेवजह गुस्सा करते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके इस गुस्से और घमंड की वजह से किसी के दिल को चोट भी पहुंच सकती है। जो गुस्सा करता है अकड़ में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि दूसरे के मन में वो गुस्सा लावा बनकर उबल रहा है, और वो कब बदले की चाह बनकर बाहर आ जाए कोई नहीं जानता। जो पार्वती बहन, नवो स्टॉक आवे छे। क्या जिग्नेश भाई, आप हमेशा वही पुराना स्टॉक ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। आपको लगता है मुझे बेवकूफ बना सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है पार्वती बहन, ये साड़ी तो कल ही आई है, ये देखिए। हाँ बा, ये बिल्कुल नहीं है, पिछली बार जब हम आए थे तभी नहीं थी। ये देखिए ना बा, कितनी अच्छी है। मैं तेरे पूछूं, अच्छे बुरे की समझ तो है नहीं, चुप नहीं रह सकती क्या? देखो जिग्नेश भाई, कुछ नया दिखाने को है तो दिखाइए, नहीं तो हम लोग चलते हैं। पार्वती बहन आप भी ना। चल सुरभि, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ बोल सुरभि। हेलो भाविन, मैं लक्ष्मी नगर के पास हूँ और मेरे पास घर वापस आने के पैसे भी नहीं है। लेकिन बा कहाँ है? तुम तो बा के साथ गई थी ना। बा कहीं चली गई है, कहाँ था, 15 मिनट में आएंगी। लेकिन अब 1.5 घंटा हो गया है और वो अब तक नहीं आई, और उनका फोन भी मेरे पास ही है। तो तुम एक काम करो, तुम वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये बा भी ना,
बताया तो था कि बा अपना फोन मेरे पास छोड़ गई है। यही है उनका फोन। सुरभि, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं और बा साड़ी की दुकान पर थे। हमेशा की तरह बा ने वहां से कुछ भी नहीं खरीदा। फिर वहां से चलकर हम लक्ष्मी नगर तक आए। फिर वहां पर मुझे वेट करने को कहकर खुद कहीं चली गई। सुरभि, एक काम कर, तू यहीं रुक, मुझे कुछ काम है, मैं 15 मिनट में वापस आती हूँ। और हाँ, ये मोबाइल रख, और अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत। लगभग 4 बजे वो गई और 5:30 बजे तक वेट करने के बाद मैंने आपको फोन किया। बा मोबाइल भी साथ नहीं लेके गई? ना, तभी तो उनका फोन मेरे पास है। बजने वाले हैं, बा आज ही तो नहीं आ। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, वहां पे भी नहीं है वो। पुलिस स्टेशन चले क्या? वो पहले भी कभी बिना कुछ बताए बिना मोबाइल फोन लिए कहीं गई? नहीं सर, कभी नहीं। एक भी रुपया दिए बिना वो आपको इस हाल में छोड़कर चली गई बस अपना मोबाइल फोन देके? हाँ। क्या आप हमें शुरू से जो भी कुछ हुआ वो बता सकती हैं? दोपहर के कुछ 2:45 बजे थे, बा वह ऑफिस से लौट आई थी। उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था इसलिए करीबन 2:30 बजे हम निकल गए थे। हाँ सर, करीब 1:20 बजे पर खाना खाने के लिए ऑफिस से निकली थी, तब मैं ऑफिस में ही था। हम दोनों साड़ी की दुकान पे गए और हमेशा की तरह उन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। और फिर एक काम कर, तू यहीं रुक, ये मोबाइल रखना। उसके बाद मैंने भाविन को फोन किया। उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही हैं? ना। ऑफिस में किसी को बताया था कि शाम को उन्हें कुछ काम है या फिर किसी से मिलना है? नहीं सर, मैंने ऑफिस में फोन करके भी पूछा था लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आप लोगों का अंगड़िया का बिजनेस है ना? जी सर, बरसों पुराना है। और सारा बिजनेस आपकी बाई संभालती है? जी हाँ सर, बाबूजी के गुजर जाने के बाद साल 2003 के बाद से बाई संभालती है। सर, उनके फोन से आखिरी कॉल 12:30 बजे किया गया था। पता करो फोन किसको किया गया था। यस सर। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे? तुम्हें कौन? PSI सोलंकी, सिटी पुलिस स्टेशन। हार्दिक सोनवरिया बोलू छू। आप पार्वती शेठ को जानते हैं? हाँ हाँ, वो अंगड़िया वाली ना। आज दोपहर 12:30 बजे आपकी उनसे बात हुई थी? हाँ हुई थी, डिलीवरी के लिए फोन किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस क्या है? मेरा डायमंड का बिजनेस है और पार्वती बेन के अंगड़िया से हमारा बरसों का रिश्ता है। पर बात क्या है सर? बात यह है कि पार्वती बेन शाम से घर नहीं लौटी हैं। आपको कुछ आइडिया है कि वो कहाँ गई होंगी? नहीं साहब, पर कोई गड़बड़ है क्या? अब तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, हम बाकी के पुलिस स्टेशन और पेट्रोल टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं, कल सुबह तक वेट करते हैं। अजीब ढंग से पार्वती शेठ गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई हैं, लेकिन अगले दिन तक भी वो वापस नहीं लौटी। क्या सच में जो हुआ था वो कुछ और था लेकिन नजर नहीं आ रहा था? सर, पार्वती बेन के बेटे का फोन आया था, वो अभी तक घर नहीं लौटी है। अजीब बात है, 58 बरस की औरत जो बरसों से अपना कारोबार संभाल रही थी वो अपना मोबाइल फोन लिए बिना किसी कुछ कहे बिना ऐसी कहीं चली गई। सर, उनका परिवार काफी सालों से अंगड़िया का ही बिजनेस करता आया है, कहीं उनके बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं कोई गलत डील या फिर ऐसा ही कुछ? नहीं साहब, अगर पार्वती बहन ने ऐसी कोई डील की भी होगी तो हमने खबर न थी। वो कोई ऐसी डील करती भी है तो हम लोग को नहीं बोलती है, वो सब अकेले ही संभालती है। वो कल 1:20 बजे पर ऑफिस से निकली थी। हाँ साहब, खाना खाने के लिए। वो ऐसी भी कोई डील कर सकती है क्या जो रिस्की हो, खतरनाक हो? साचू कहूँ तो पार्वती बहन जो कुछ भी करती है ना
अकेले ही करती है सर, उन्हें किसी पे भरोसा है ही नहीं, और इस मामले में वो बहुत सख्त मिजाज की है। वो अपने बेटे तक को कुछ नहीं बताती है, वो किसी और को क्या बताएगी? सर वो जो चाहती है वैसा ही करवाती है, इस मामले में वो बहुत जिद्दी है, और वो जो फैसला कर लेती है वो अंतिम फैसला होता है सर। पार्वती शेठ को गायब हुए 18 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है? हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को इस तरह से गायब करने का प्लान बनाया हो। सर वो ऑफिस से शॉपिंग के लिए 1:20 पर निकली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की, बस इतना कहकर कि वो 15 में लौट आएंगी, वो वहाँ से चली गई और अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गए। वो खुद गायब हुई हैं या किसी ने उन्हें गायब करवाया? कोई दुश्मनी? सर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी? भाभी सेठ आपकी बा को गायब हुए पूरे 18 घंटे हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं, कोई तो वजह होगी। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उन्हें किसी से कोई खतरा था? ऐसा तो नहीं है कि उन्हें किसी ने किसी डील के लिए बुलाया हो और उनके साथ कुछ गलत हो गया? आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बा अभी तक नहीं लौटी, और आपकी पत्नी का कहना है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन्हें बंदी बना लिया हो, मेरा मतलब उनका अपहरण कर लिया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और दुश्मन तो हर धंधे में होते ही हैं सर, खास तौर पे जब आप टॉप के 5 अंगड़े वालों में से हो, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। आपको किसी पर शक है? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, दुश्मनी, और वो भी पार्वती बहन से? पार्वती शेठ का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, और मेरा भी, लेकिन एक बात बोल दूं साहब मैं आपको, ये जो हमारा आंगड़ियां लाइन है ना, उसका एक उसूल है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के ग्राहक को टच नहीं करते। पार्वती बहन बहुत ही इज्जतदार औरत है, उनके अपने क्लाइंट्स हैं, हमारे अपने साहब। ये धंधा बरसों की मेहनत और भरोसे पर ही टिका है, और हम लोग एक दूसरे का भरोसा कभी भी नहीं तोड़ते सर। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं साहब, और मैं बिना किसी शक के आपको ये कह सकता हूँ कि हम एक दूसरे के धंधे में कभी दखलंदाजी नहीं करते साहब, ये हमारा नियम है। सर सभी रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देख लिया है और चेक भी कर लिया है, शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर हैं। फिर और क्या वजह हो सकती है? एक दिन बीत गया है, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं? कोई मुर्दा घर, कोई पुलिस स्टेशन, कहीं से कोई खबर नहीं मिली सर। कहीं इनके परिवार का मामला तो नहीं? तो उनका अपना ही साहब, मैं उनके घर पे 6 साल से काम कर रही हूँ। पूरे दिन का काम है? नहीं साहब, छुट्टा काम है। अच्छा ये बताओ कि पार्वती बेन का अपनी बहू से रिश्ता कैसा था? दोनों का जमता नहीं था साहब। अनबन छोटी मोटी थी या बड़ी थी? बा हमेशा सुरभि भाभी को डांटती रहती थी। मेरा मतलब है कि सुरभि भाभी कोई गलती करती थी तब भी उनको डांट पड़ती थी, और वो कोई गलती नहीं करती थी तब भी उनको सुनने को मिलती थी। आशु, रोज रोज बटा का नुशाक, तुझे और कुछ बनाना नहीं आता है क्या? बा आप जितने पैसे देते हो उतने में बटाटा ही आता है। मैं पैसे गिन के देती हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी कि तू मुझे रोज यही सब्जी खिलाएगी, कोई और सब्जी नहीं ला सकती थी क्या? बा सब्जी के भाव बढ़ गए हैं, उतने में और कुछ नहीं आता। सब्जी के भाव बढ़ गए या तेरी अक्कल घास चरने गई है? जा अथाणू ले आओ। सुरभि भाभी बात से बहुत परेशान थी, उन्हें जब भी वक्त मिलता था वो अपने मायके चली जाती थी। सुरभि के माँ बाप यहीं रहते हैं? हाँ साहब, यहीं पिपलौर में। जी आप सुरभि शेठ के बापू जी हैं? हाँ जी। सब जब से पार्वती बहन के बारे में पता चला है ना, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। आपकी बेटी सुरभि वो इंसान है जिसने आखिरी बार पार्वती शेठ को जाते हुए देखा था, अब तक हम उसी के बयान पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। साहब वो भी बहुत ही परेशान है। आपकी बेटी और उसकी सास के बीच अनबन रहती है? हाँ साहब, क्या है ना, पार्वती बहन एक बहुत ही गर्म मिजाज की औरत है, मेरी बेटी भी उससे परेशान रहती है। अक्सर वो घर पे आती है तो उसकी शिकायत करती है,
हमने उसे समझाया भी था कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें सास बहू के बीच में अनबन ना होती हो। बहू को तो झुकना ही पड़ता है। हम उसे ये भी बताते हैं कि अभी जो वो रह रही है वो उसका दूसरा घर है, मायका नहीं है। फिर वो शांत हो जाती है और चली जाती है। गांधी भाई, जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण विमल भाई। कोई आवी छे तो पछी आवो। नहीं नहीं विमल भाई बेसो, इंस्पेक्टर साहब छे, सिटी पुलिस स्टेशन से। नमस्ते साहब। इंस्पेक्टर साहब, विमल भाई हैं हमारे मकान मालिक, सुरभि इनके लिए भी बेटी जैसी है। सर, जितना जानते थे उस दिन सब बता तो दिया। एक बात को छोड़कर। कौन सी बात? यह कि भाविन और उसकी माँ के बीच मनमुटाव था। वो कहीं नहीं थी साहब, पार्वती बहन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है कि हर किसी के साथ सख्ती से पेश आती है। और भाविन को छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसे सबके सामने डांट ले। 31 साल का हो चुका है सर, फिर भी पार्वती बहन सबके सामने उसे जो मन में आए बोल देती है। जब 21 साल का था तब उसके पिताजी गुजर गए और उसके बाद पार्वती बहन ने कारोबार अपने हाथ में ले लिया। भाविन को सिर्फ पॉकेट मनी ही देती थी, भाविन को कुछ भी अपनी मर्जी से करने का कोई मौका ही नहीं दिया। और दूसरी बात यह है सर कि हर बार बेइज्जत होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि भाविन इस बात से नाखुश था। पार्वती बहन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए पर अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। बेटा और बहू दोनों से उनके रिश्ते काफी कड़वे हैं सर। कहीं उनके गायब होने के पीछे यही वजह तो नहीं? क्या आप लोगों को ये लगता है कि मेरी सास के गायब होने के पीछे मेरा हाथ है? आपकी अपनी सास के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। बिजनेस और घर दोनों जगह उन्हीं की चलती है। और हाँ, वो जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करती है मुझे गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं। आप वो आखिरी इंसान है जिसने पार्वती शेठ को गायब होने से पहले देखा था। पर इसमें मेरी क्या गलती कि वो शॉपिंग के लिए मुझे साथ ले गई? लेकिन अपना मोबाइल फोन पार्वती शेठ आपको देकर क्यों जाएंगे और कहां? मुझे कैसे पता होगा सर, वो अक्सर मुझे शॉपिंग पे लेके जाती है और फिर खरीदती कुछ नहीं है। वो क्या करने वाली है, क्या करेंगी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। और फिर मुझे कैसे पता होगा कि वो मोबाइल फोन मुझे क्यों लेके गए या फिर कहां गए? मेरे पास तो घर वापस जाने तक के पैसे नहीं थे। क्या आपके पति भाभी ने सबके पीछे? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? फायदा तो उन्हीं का है, सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उन्हीं का हो जाए। अपनी माँ के होते हुए वो पाई पाई के लिए मोहताज है। अगर पार्वती शेठ नहीं रहे तो उनकी जिंदगी चैन से गुजरेगी। ये बिजनेस हो, घर हो या बाकी की प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनका वारिस हूँ। आप लोग मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं? पार्वती शेठ एक कड़क स्वभाव की औरत है, आपको उनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। 31 साल के हो गए हैं फिर भी अपनी मर्जी से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। इस बात को लेकर आपको अंदर ही अंदर गुस्सा तो आता हो। तो इसका मतलब मैं अपनी माँ को गायब कर दूंगा? यही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने गायब किया उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग ठिकाने पे तो है? वो मेरी माँ है। एक ऐसी बात जो आपको आपके सिरे से जीने नहीं देती, जिस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। फिर भी सर वो मेरी बा है। हाँ, थोड़ी सख्त जरूर है लेकिन मैं तो उनको बचपन से ऐसे देखता आ रहा हूं। देखिए, आप लोग मेरी बा को ढूंढ नहीं पा रहे इसलिए तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं। कहानी कौन बना रहा है ये तो हमें पता नहीं। भाविन से हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर हमें कोई ढूंढने नहीं दे रहा? अब मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मतलब क्या आपका? आप नहीं तो आपकी पत्नी से, क्या वो है सबके पीछे? क्या देखो भाभी, हमको कम से कम पुलिस को आपकी पत्नी की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है। पार्वती शेठ जाते जाते अपना मोबाइल फोन उसे दे गई, ये बात हमारा मन नहीं मान रहा। सुरभि झूठ नहीं बोलेगी। मैं जानता हूँ कि वो बा से थोड़ी बहुत नाराज थी लेकिन सिर्फ वही क्यों? बा के बर्ताव को कई बार हम भी समझ नहीं पाते थे। फायदा तो उसे भी होने वाला है, पार्वती शेठ के होते हुए वो चैन की जिंदगी नहीं जी सकती और वैसे भी उन दोनों में कभी पहले पटी नहीं है। सर, सास और बहू के बीच किस घर में झगड़े नहीं होते, इसमें कौन सी नई बात है? इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हर सुपारी लेने वाले हर हिस्ट्री शीटर पर नजर रखी पर पार्वती बहन की सुपारी किसी ने नहीं दी साहब। कोई बार वाला हो सकता है? लगता तो नहीं है साहब,
भाविन और सुरभि के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ सर। उनके गायब होने से पहले के बाद के कॉल्स में शक करने वाली कोई बात नजर नहीं आई। आज पांचवा दिन है, पार्वती शेठ की अब तक कोई खबर नहीं मिली, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? सर ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चली गई हो। किसी बात का उनको डर हो, कोई ऐसी बात जिसे सिर्फ वो जानती हो, कोई ऐसी बात जिसे वो सबसे छुपा रही हैं, या फिर ऐसी निकल पड़ी हो। सर उनके बारे में अभी तक जितना भी सुना है उससे तो ऐसे ही लगता है कि पार्वती बहन ऐसा कुछ कर सकती हैं। सर ऐसे केस में कोई ना कोई सुराग सामने आ ही जाता है। और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं से बॉडी मिल जाती है, पर यहां तो अभी तक कुछ हाथ नहीं। पार्वती शेठ के अचानक गायब हो जाने के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई, और फिर एक हफ्ते के बाद उनके बारे में खबर मिली। भारी पड़ती मोड़ी, अगर तुमको सही में पार्वती बहन की फिक्र है तो कल दाबोली हाईवे पर आ जाओ और इंतजार करो। किससे भेजाइए? नाम नहीं लिखा। सिटी पुलिस स्टेशन। पार्वती बहन को ढूंढना आसान नहीं है। हेलो हेलो सो इस नंबर पे अभी जो कॉल आया था उसे ट्रेस करो फास्ट। पुलिस स्टेशन के गेट पे लेटर मिला है। क्या लिखा है इसमें? सो इसमें पार्वती बहन के बारे में लिखा है। भाविन, भाविन पुलिस को खबर करते, अकेले नहीं जा सकते। क्या पता अगर किसी ने वहां पर कोई और जाल बिछाया हो। हेलो, तुम्हें पार्वती बहन को सच में बचाना है। कौन बोल रहा है? रईस औरत है इसलिए मोटी रकम तैयार रखना। अपन मारी बा क्या छे? हेलो मारी बा क्या छे? किसका फोन था? सुरभि लगता है बा को किसी ने किडनैप कर लिया। दोनों लेटर से एक ही आदमी ने लिखे हैं। सर यहां जो कॉल आया था और भविन को जो कॉल आया था वो दोनों ही कॉल पीसीओ से आए थे, एक नानपुरा से और एक संग्रामपुरा से। दोनों ही जगह पास पास। पीसीओ वालों को पता नहीं कि फोन किसने किया था, कॉइन बूथ था, वहां कोई बूथ वाला नहीं बैठा। सर अब क्या करेंगे सर, मेरी बाप मुसीबत में होगी। कल हम दाबोली जाएंगे, आखिर पता तो चले कि एक किडनैप करने वाला चाहता क्या है। मुझे वो कॉल भी एक झांसा लग रही है। लेकिन ये खेल कौन खेल रहे हैं और क्यों? मेरा फोन बज रहा है। हेलो हेलो पहुंच गया था बोली। अब गांव में जाओ, वहां नाले के पास एक बोरी मिलेगी, उसे देख लो। हेलो हेलो क्या बोला उसने? उसने कहा कि ये वो याद में था। हाँ क्या कहा उसने? सर वो देखो बोरी। खोलो इसे।
बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। मौत का कारण पता करना भी बहुत मुश्किल है। बॉडी पे कुछ भी नहीं मिला, ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं? जी नहीं, अभी विसेरा एनालाइज होना बाकी है। वैसे बॉडी हम कल फैमिली को हैंड ओवर कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, मेरी माँ हमेशा चेन पहनती थी, अंगूठियां पहनती थी, इयररिंग्स पहनती थी। हमें ऐसा लग रहा है कि पहले किसी ने आपकी बात को लूटा और फिर मार डाला। मुझे पक्का शक है कि ये कोई आपसी बात है। सर भविन के पास जो कॉल आया था वो एक पीसीओ से था, रेलवे स्टेशन के पास से। फिर डेड बॉडी तक पहुंचने के लिए वो लेटर्स, वो फोन कॉल्स, ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। ये किसी की बहुत सोचे समझे चला। अजीब है सर कि पहले भविन को रैंसम के लिए कॉल आया था। अगर एक किडनैपिंग करना ही प्लान था तो कोई हफ्ते भर तक चुप क्यों बैठेगा? हफ्ते भर बाद ही क्यों फिरौती की रकम मांगेगा? नहीं जिग्नेश, ये कोई किडनैपिंग का केस नहीं, बल्कि उनका मकसद ही पार्वती शेख को मार डालना। तो फिर ये कौन कर सकता है सर? भाविन और सुरभि के खिलाफ तो हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर पार्वती शेठ के मरने का सीधा सीधा फायदा उन दोनों को होने वाला था। सुरभि को उसकी सास से छुटकारा मिल जाता और जीने की आजादी थी, और भाविन को अपनी स्ट्रिक्ट माँ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता और उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों उसके हाथ में आ जाते। पर सर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि केस अब कभी सुलझ ही नहीं पाएगा। पुलिस हर तरह से इस केस के छोटे से छोटे सुराग को हासिल करने में लगी हुई थी, जिससे कि इस जुर्म का कोई सबूत हाथ लग जाए, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं आया था। ये खून बहुत ही सफाई से किया गया लग रहा था, पर चार महीने के बाद इस केस के आगे बढ़ने के कुछ आसार नजर आए, जिससे कि इस जुर्म के मुजरिमों का शायद पता चल सकता था। हमने हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन की है, फिर भी एक भी सबूत नहीं मिला है। सिर्फ दो लोग हैं जिन पर शक किया जा सकता है, एक पार्वती शेठ का बेटा भाविन शेठ, दूसरा उनकी बहू सुरभि। हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों इसमें शामिल है, इसलिए हमें इन दोनों के नार्को टेस्ट की इजाजत चाहिए। जी क्या है? पता नहीं कोर्ट से आया। क्या लिखा है इसमें? सुरभि, कोर्ट ने पुलिस को हम दोनों की नार्को टेस्ट करने की इजाजत दी है, तारीख भी लिखी है 23 दिसंबर। पर इस टेस्ट में होता क्या है? उन्हें हम दोनों पे शक है सुरभि, सिर्फ हम दोनों। हाँ पर ये नार्को टेस्ट होता क्या है? सुरभि, इस टेस्ट द्वारा अगर कोई भी झूठ बोल रहा है ना तो पकड़ा जाए। पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये उन्हें विश्वास नहीं आता ना। पेस्टिसाइड की पूरी बोतल पी ली है। नर्स, पिक, कनेक्ट द ट्यूब। चाय थे गई? सुरभि,
चाय थी गई के सुरभि सर सुरभि शेट ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? जी हाँ सर, उसकी हालत काफी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में है। नार्को टेस्ट से सिर्फ दो दिन पहले। मूव। क्या हुआ सर? पेस्टिसाइड की पूरी बॉटल पी ली। कल उसने आपसे कुछ कहा था, फिर बात हुई थी? बॉडी से पॉइजन निकाल दिया है पर कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है? अगले 48 घंटे बीतने के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, तब तक हमें वेट करना ही होगा। ये अभी भी अर्ली रिकवरी स्टेज में है, ज्यादा लंबी बातचीत मत कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। सुरभि शेठ, आपने सुसाइड करने की कोशिश की, ये पुलिस केस है, हमें आपका स्टेटमेंट चाहिए। हम बेकसूर हैं, फिर भी आप लोग मुझ पर और मेरे पति पर शक कर रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप लोग सता रहे हैं हम दोनों को। जाहिर सी बात है सर, आप लोगों को खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लोग ये साबित करने में जुटे हुए कि या तो हम दोनों या तो हम में से कोई एक बाकी खून के लिए जिम्मेदार है। अभी तक हम ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आप लोग हम पर नार्को टेस्ट कराने की जबरदस्ती कर रहे हैं। क्यों, आपको डर लग रहा है नार्को टेस्ट से सच जानने के लिए? तो आपको हमारी बात सच नहीं लग रही? देखिए, हमारा काम है सच की तह तक पहुंचना। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये लोग जीने नहीं देंगे हमें, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। पहले माँ ने जीना मुश्किल कर दिया था और अब ये लोग मुझ पर शक कर रहे कि माँ को मैंने मार डाला। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे नहीं जीना। मैंने कहा था ना आपसे कि इनकी हालत अभी भी नाजुक है, प्लीज लीव। मुझे लगता है सुरभि जानती है कि कौन है इस सबके पीछे, या फिर वो खुद इसमें शामिल है। क्या पति पत्नी दोनों ने मिलकर ये किया है? लेकिन सर, हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। हाँ लालू बोल। हाँ साहब, मालूम नहीं मेरे को जो पता चला है वो आपके कितने काम का हो, पर हो सकता है आपके काम का हो। सीधे सीधे बात बोल। अब जब से कोर्ट से नार्को टेस्ट का लेटर आया ना, पति पत्नी दोनों बेहद परेशान है और घबराए हुए हैं। इसमें नया क्या? सुरभि के माँ बाप उसको देखने पहले दिन आए, जैसे ही उसको शाम को थोड़ा सा होश आया ना साहब, उसके बाद से वे लोग अस्पताल नहीं गए। आगे बोल। उसके घर पर भी कोई नहीं है, वे सामान लेकर भाग गए। कहाँ? वो नहीं मालूम साहब, मेरी नजर थी उन पर हर वक्त, अभी पता चला कि घर छोड़ के चले गए। उनका मकान मालिक विमल पारेख, वो हमेशा साथ में रहता। नमस्ते साहब। ये तो और भी अजीब बात है साहब, विमल पारेख भी सामान के साथ जा चुका है। सर, सुरभि के बापूजी कांति गोहिल और बाप पुष्पा गोहिल दोनों कल शाम को अपना सामान लेकर कहीं चले गए। उन दोनों के फोन भी बंद है, ये खबर हमें उनके पड़ोसियों से मिली है। और मकान मालिक? वो भी अपना घर छोड़कर कहीं चला गया है और उसका भी फोन बंद है, लेकिन इस बारे में अभी तक हमने भाविन से कोई इंक्वायरी नहीं की है। और करना भी मत, हमें उन्हें अलर्ट नहीं करना है। ये बात बहुत अजीब है कि बेटी क्रिटिकल कंडीशन में है और ये लोग कहीं चले गए, साथ में मकान मालिक भी गया। नमस्ते सर। कहीं ये वही कड़ी तो नहीं जिसे हम नहीं देख पाए थे? नहीं साहब, ये नहीं पता कहाँ के रहने वाले। और हाँ, ये पता है कि कांति भाई का एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस था। उनके मकान मालिक भी यहाँ नहीं है, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। दोनों परिवारों का खूब करीबी रिश्ता था, विमल भाई को कोई बेटा बेटी नहीं था, सुरभि को अपनी बेटी मानते थे। समझ में नहीं आ रहा साहब, विमल भाई अचानक कहाँ चले गए? हमेशा तो बोलकर जाते हैं,
उनका नंबर भी बंद है। साहब दोनों नंबर पे ट्राई किया। दूसरा नंबर है उनके पास? हाँ साहब दो नंबर है। आपके पास होंगे? हाँ मैं अभी लाती हूँ। प्लीज। गुड न्यूज सर, दूसरे नंबर को ट्रैक किया है, वो ऑन है। कहाँ है वो लोग? इसी शहर में सर, होटल में रुके हैं। सर रूम नंबर 405, कल रात से यहाँ रुके हैं। थैंक यू। शादी निकले आप लोग? हम कहीं भाग नहीं रहे थे, किराए पर नया मकान तलाश रहे थे, सुरभि के इलाज के लिए पैसा बचाना था। और इस काम में आपकी मदद करने आपके मकान मालिक विमल पारेख अपना घर छोड़कर आ गए किराए के मकान में रहने के लिए। साहब मैं तो इनकी सिर्फ मदद कर रहा था, सुरभि मेरी बेटी जैसी ही है। चलिए आपकी कहानी तो हो गई। पुष्पा में आपको कुछ कहना है? साहब पार्वती बहन मेरी बेटी को बहुत ताने कसती थी, बहुत परेशान करती थी उसको। हर बार वो रोती रोती घर पे आती थी, वो देखकर हम परेशान हो जाते थे। सब्जी के भाव बढ़ गए या तेरी अकल घास चरने गई है? जा। अच्छे बुरे की समझ तो है नहीं, तुझे रसीद लेने को किसने कहा था? हमने सोचा अच्छा परिवार है, रईस लोग हैं, वहां शादी करेंगे तो बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। पता नहीं था मेरी बेटी हर रोज परेशान रहेगी। साहब पार्वती बहन के पास क्या कमी थी, फिर भी अपने बहू और बेटे को तंग करने में न जाने उन्हें क्या खुशी मिलती थी। मतलब आपको सब पता था कि पार्वती शेठ कहीं गायब नहीं हुई बल्कि उनका खून हुआ। वो कह रही थी कि कल दोपहर शॉपिंग पे जाना है। कहाँ? उन्हें साड़ी खरीदनी है जो कि वो खरीदेंगी नहीं। मेरे पास एक साड़ी है, उन्हें पसंद आएगी, मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत महंगी है। कौन से दुकान पे जाएगी वो? सुरभि कई बार पार्वती बहन के साथ उस दुकान पर जाया करती थी, वो जानती थी वहां क्या होगा, वो जानती थी कि कहां तक दोनों पैदल चलेंगे और फिर रिक्शा करेंगे। सुरभि, पार्वती बहन, जय श्री कृष्ण। पार्वती बहन, जय श्री कृष्ण बाबूजी। केम छो? जा। कहां से आ रहे हैं आप? साड़ी खरीदने गई थी पर एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। शुभ संजोग है, मेरे पास भी 4-6 साड़ियां हैं, बहुत बढ़िया डिजाइन है। बहुत दिनों बाद मेरे जूने सेट के लिए मैंने खुद ने एम्ब्रॉयडरी की है, आपको पसंद आएगी। घर चल करके देख लो एक बार, पसंद आया तो रख लेना। अभी? अरे पार्वती बहन, यहाँ से घर कितनी दूर है, एक बार देख तो लीजिए। और उसमें से भी 2 साड़ियां तो मैंने खास आपके लिए रखी है, हमारी तरफ से भेंट के तौर पर। अच्छा चलो देख लेते हैं। आराम से बापूजी, आप बा को लेके घर जाइए, पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से नहीं बैठ पाएंगे, मैं चल के आ जाऊंगी। सुरभि तू भी आ जा, घर कितनी दूर है यहाँ से। नहीं बा, आप आराम से बैठिए, मैं आ जाऊंगी। तो ये पूरी तरह से प्लान था कि सुरभि पार्वती शेठ का मोबाइल फोन अपने पास रख ले। कहाँ मारा पार्वती शेठ और किसने मारा? पार्वती बहन, आप मेरी बेटी को तंग करना बंद करेंगी या नहीं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप समधी जी? आप कब तक सुरभि को ऐसे ही सताएंगी? अच्छा
तो साड़ी एक बहाना था मुझे यहां तक लाने का। सुनल तुम्हारे पास है, धन दौलत है, इतना बड़ा कारोबार है, घर है, पर आप है ना, आपका दिमाग खराब है, खराब। सबको परेशान करने में मजा आती है आपको। जबान संभाल के बात करो, औकात सोच तुम्हारी। एहसान मानो मेरा क्या आपकी बेटी को अपनाया, कमी क्या है, आराम से तो रह रही है। आराम से नहीं रह रही हमारी बेटी पार्वती बहन, आप दिन रात उसे तंग करती रहती हैं। आपको शायद पता नहीं, आपका बेटा भी इन हरकतों से तंग आ चुका है। कहीं पर भी किसी के भी सामने आप उन दोनों की बेइज्जती कर देते हो। और एक नौकरानी के सामने मेरी बेटी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और दिन रात उसको ताने कसती रहती हो। बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास, मैं जा रही हूँ। अच्छा ये तो अपनी बेटी को भी ला के रखो इसी घर में। देखो मुझे छूने की गलती मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है। आज के बाद ना तुम रहोगी ना तुम्हारी पहुंच। तुम्हारे जाने के बाद सब चैन से जिएंगे। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हमने लाश को घर में ही छिपा के रखा था, फिर जैसा तय था वैसा ही सुरभि ने किया, और रात को हम लाश को नाले के पास फेंक आए। वो फोन कॉल्स और लेटर्स, पार्वती बहन को ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें पार्वती बहन को सच में बचाना है तो रुपया तैयार रखना, रईस औरत है इसलिए मोटी रकम तैयार रखना। पहुंच गए था बोली, अब गांव में जाओ, वहां नाले के पास एक जूट की बोरी मिलेगी, उसे देख लो। मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था और विमल भाई ने भाविन को, भाविन विमल भाई की आवाज नहीं पहचानता था। एक हफ्ते तक इंतजार क्यों किया, तो लाश को हम तक पहुंचाने के लिए नाटक क्यों किया। हमें लगा था कि पुलिस लाश को ढूंढ लेगी और फिर खून और लूट का केस बन जाएगा। हमने सारे गहने भी निकाल दिए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अखबारों में केस बहुत ही आने लगा। और जब लाश एक हफ्ते तक नहीं मिली तो हमने सोचा कि केस को अपहरण का केस बना दे ताकि पुलिस को जल्द से जल्द लाश मिल जाए और किसी तरह केस बंद हो जाए। हमें पता चल चुका था कि आपको भाविन और सुरभि पर शक है। उन पर तो हमें पहले से ही शक था, बल्कि लगभग यकीन था कि वो दोनों इसमें शामिल हैं। क्या भाविन भी इस प्लान में आप लोगों के साथ मिला हुआ था? नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। इस वजह से आप लोगों ने भागने की कोशिश की थी। सुरभि ने हमें चले जाने को कहा था, वो डर गई थी नार्को टेस्ट से, उसे लगा था वो सच उगल देगी, उसने आत्महत्या की कोशिश की। उसने हमें चले जाने को कहा था, उसने कहा था कि वो आत्महत्या की जिम्मेदार पुलिस को ठहराएगी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने 58 साल की एक औरत को मारने के लिए इतनी सारी प्लानिंग की। उसने सुरभि का जीना मुश्किल कर दिया था, औरत समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके गुस्से, उसकी अकड़, उसकी बेइज्जती की वजह से वो अपनों को दुखी कर रही थी। हमें शुरू से पता था तुम जो कहानी सुनाने थी मोबाइल फोन की, एक भी रुपया पास ना होने की, वो सब झूठ है। हम तुम्हारे ठीक होने का वेट करेंगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
उन्होंने हम दोनों की जिंदगी नरक बना दी थी। मैं उनके साथ जी सकती थी, मैं नहीं जी सकती थी वैसे। सुरभि, वो बात भावन, पार्वती शेठ के सभी गहने पुलिस ने सुरभि के माता पिता के घर से बरामद कर लिए हैं। सुरभि के पिता कांति गोहिल, माँ पुष्पा गोहिल और पिता समान विमल पारिक, इन तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। सुरभि अभी हॉस्पिटल में है जहाँ उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होते ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरभि शेठ, कांति गोहिल, पुष्पा गोहिल और विमल पारिक, इन चारों को आईपीसी की धारा 302 खून के लिए और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए लगाई गई है। और इसके अलावा धारा 365 के तहत गलत उद्देश्य से किसी व्यक्ति का अपहरण करने और बंदी बनाने के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया गया है। भावेन अभी सदमे में है, हालांकि वो अब भी सुरभि के इलाज का खर्चा उठा रहा है, लेकिन अब वो उससे वहां मिलने नहीं जाता है। गुस्सा, अहंकार, सत्ता की ताकत और घर में और ऑफिस में अपने से छोटे लोगों का दमन करना, इसके नतीजे क्या होंगे बहुत बार लोग ये समझ नहीं पाते। जो बार बार दबाए जाते हैं उनके अंदर एक रिश्ता घाव होता है, एक दर्द होता है, और फिर पलट कर जवाब देने की इच्छा जागती है, बदला लेने की ख्वाहिश जागती है। और गुस्से में वो ये समझ नहीं पाता है कि किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। मौत सिर्फ उस इंसान को मारती है, ना कि उसके गुस्से, उसके अहंकार को। किसी की जान लेने से अपनी जिंदगी के दुख दर्द कम नहीं हो जाते। समझदारी इसी में है कि अगर कोई व्यक्ति आपका जीना मुश्किल कर दे तो आप उससे दूर चले जाएं और अपनी एक नई दुनिया बसा लें। बदला लेना सिर्फ बेवकूफी और कायरता का प्रतीक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, प्रतिशोध जुर्म का अंत नहीं बल्कि एक नए जुर्म की शुरुआत है। जय हिंद।